Good morning, students. How are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise chapter number 12 of grade 6, that is electricity and circuits. Okay, students, the topic that I will cover in this chapter are electricity, electric current, conductors, insulators and semiconductors, electric circuit, circuit diagram, open electric circuit, closed electric circuit, role of switch and electric torch. These are the topics that we will cover in this chapter. So let me start with the first topic of the chapter, that is electricity. बेटा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. बेटा इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और मोशन. इलेक्ट्रिसिटी साइंस की वो ब्रांच है, और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिनमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं. और हम दो तरह के चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे चार्जेस के बारे में भी पढ़ते हैं जो रेस्ट पे हैं, और ऐसे चार्जेस के बारे में भी पढ़ते हैं जो मोशन में है. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट पे हैं, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में है. ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ना डिस्कस करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, दैट इज चार्जेस इन मोशन. ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या. जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस. अब ये चार्जेस क्या हैं. बेटा बेसिकली यहाँ पे चार्जेस की बात करें तो जो हमारे चार्जेस मोशन में है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, देन वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज प्रिवेलिंग देयर. ओके, तो हाउ विल वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर और वायर. फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर और वायर. तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर और वायर में से, देन वी कैन से कि उस वायर में या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. ओके, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है बेटा वो आई होता है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बेटा एम्पियर. ओके, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर. तो व्हाट आर कंडक्टर्स. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. अब बात करेंगे बच्चों हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की. ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंडक्टर्स की. कंडक्टर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली. कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो होने देते हैं. ओके, जैसे हमारे मेटल्स की बात करें, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड ऑल द अदर मेटल्स आर कंडक्टर्स. ये जो मेटल्स होते हैं बेटा ये कंडक्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो होने देते हैं. उसके बाद बात करेंगे इंसुलेटर्स की. इंसुलेटर्स आर मटीरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम, विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम. ओके, एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स आर प्लास्टिक, रबर, वुड एटसेट्रा.
ओके, तो सबसे पहले बात करें कंडक्टर्स की। तो आपने जितना भी देखा होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल्स या कंडक्टर्स की क्यों बनी होती हैं? ताकि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं। ओके, और ये जो वायर्स होती हैं, बेसिकली दो बेसिक मेटल्स जो बारी बारी यूज़ होते हैं वायर्स बनाने के लिए, वो है कॉपर और एल्यूमिनियम, और ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर का यूज़ हम वायर्स बनाने के लिए क्यों नहीं करते बेटा? सिल्वर क्योंकि बेटा एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, तो सिल्वर कांट बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ओके, अब बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल विच पार्शियली अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कुछ अमाउंट में करंट को पास होने देते हैं। ओके, और कंप्लीट पैसेज नहीं हो पाता करंट का और इलेक्ट्रिसिटी का। सो एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक एट्सेट्रा। ठीक है, तो हमने बात की है यहाँ पे कंडक्टर्स की जो करंट को फ्लो होने देते हैं इजिली, इंसुलेटर्स की जो करंट को ब्लॉक कर देते हैं, फ्लो होने नहीं देते, और सेमी कंडक्टर्स की जो पार्शली करंट को फ्लो होने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द क्लोज एंड कॉन्टीन्यूस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ भी चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक पैसेज चाहिए। तो जिस पाथ में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे, तो उसे हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ नोन एज सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको दिखाने के लिए हम एक उसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बेसिक सिंबल्स पता होने चाहिए। तो अभी पहले सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिंबल है बेटा सेल के लिए। सेल का ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर सेल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट सिंबल इज फॉर बैटरी। बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। बेटा सेल क्या होता है? सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सेल कनेक्ट किए जाते हैं वो बैटरी होती है। जैसे अभी आई एम मेकिंग अ सिंबल ऑफ बैटरी ऑफ टू सेल्स, तो ये जो है सिंबल है बैटरी ऑफ टू सेल्स। ठीक है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी ऑफ थ्री सेल्स। ठीक है, तो बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। अब नेक्स्ट सिंबल हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स के लिए हम सिंपल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। दिस रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ कनेक्टिंग वायर। ओके, नेक्स्ट सिंबल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड दिस इज ऑल्सो द सिंबल फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें से आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज द सिंबल फॉर ग्लोइंग बल्ब। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर ग्लोइंग बल्ब। तो इन सारे सिंबल्स का हम यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने में यूज़ करेंगे। दिस आर सम ऑफ द बेसिक सिंबल्स। उसके बाद बात करेंगे हमारा स्विच की। अगर स्विच का सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे आपको पता है बेटा स्विच की दो पोजीशंस हो सकती हैं, ऑन और ऑफ। दिस इज द सिंबल फॉर ऑन पोजीशन, एंड दिस इज द सिंबल फॉर ऑफ पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे ऑन पोजीशन के लिए सिंबल ये है और ऑफ के लिए ये है। ठीक है, तो ये दो स्विचेस स्विच के सिंबल हैं। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, आपने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का, जहाँ पे हमने बेसिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया। आइदर सेल और बैटरी वी आर यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स, वी आर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मोर ओवर वी आर यूजिंग अ स्विच। ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। Thank you.
तो यहाँ मैंने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है जिसमें मैंने कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं। हेयर आई कनेक्टेड अ सेल स्विच इन ऑन पोजीशन। दीज आर सम ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स दैट वी आर यूजिंग इन द सर्किट एंड बल्ब। ओके, जैसे ही आप ये कनेक्शंस फॉर्म करेंगे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा एंड दिस बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। ओके, सो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज अ सिंपल और बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। वी हैव यूज्ड अ बल्ब हियर, कनेक्टिंग वायर, स्विच एंड अ सेल। ओके, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नंबर टू क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। डिफरेंस क्या होता है? ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम। ओके, वी आर यूजिंग अ सेल, वी आर यूजिंग अ बल्ब, वी आर यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स एंड वी आर यूजिंग अ स्विच। लेकिन डिफरेंस क्या है? स्विच की पोजीशन पे, कि आइदर स्विच इज ऑन और ऑफ। अगर स्विच ऑन है, करंट फ्लो हो रहा है, देन इट इज़ अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर स्विच ऑफ पोजीशन पे है, ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, देन इट इज़ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इस ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है बेटा? हमारा जो स्विच है that is in off position, so no current is flowing through the circuit। ठीक है, तो हमारा यहाँ सेल कनेक्टेड है, बट स्टिल जो हमारा पाथ है वो कम्प्लीट नहीं है। हमारा स्विच जो है ऑफ पोजिशन पे है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। दिस इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करेंगे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट की। अगर क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो क्लोज और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा स्विच ऑफ पोजीशन पे था, अब हम हमने उस स्विच को ऑन कर दिया है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, देखेंगे आप पाथ और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, तो सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू कर देता है और बल्ब जो होता है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। ये होता है हमारा बेटा क्लोज सर्किट। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट? स्विच का डिफरेंस होता है बेटा। ओपन सर्किट में स्विच जो होता है ऑफ पोजीशन पे होता है और क्लोज सर्किट में स्विच जो होता है बच्चों ऑन पोजीशन में होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ स्विच। ओके, अब हम स्विच का क्या फंक्शन है? ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम्स में स्विच क्या काम कर रहा है। स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस विच इज़ यूज टू फॉर्म और ब्रेक द सर्किट। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को फॉर्म करने में, कंप्लीट करने में भी काम आ रहा है और ब्रेक करने में भी काम आ रहा है। तो स्विच की हेल्प से हम सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं, मतलब फॉर्म और ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे आप घर में भी देख रहे हैं, जब हमें अपने अप्लायंसेस को वर्क नहीं कराना तो स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, और इफ़ वी वॉन्ट आवर अप्लायंसेस टू रन तो स्विच को हम ऑन कर देते हैं। तो स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इज़ यूज टू फॉर्म और ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको उससे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताऊंगी। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। जब इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन हुई थी, देयर वॉज अ ड्रास्टिक चेंज। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया था, इतना ज़्यादा वाइड चेंज आ गया था। ठीक है, नई चीज़ें बननी शुरू हो गई, नए अप्लायंसेस डिज़ाइन होने शुरू हो गए, लाइट प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस बना, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज़ प्रोड्यूसिंग लाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब पे बेसिकली बेटा हमारे दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में
दो थिक वायर होती हैं, ठीक है, दीज आर टू थिक वायर्स सपोर्ट के लिए, और इनके ऊपर लगा होती है एक थिन वायर जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. ओके, दिस इज द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब. ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे वर्क करता है, जब हम दोनों टर्मिनल्स को किसी भी सोर्स ऑफ करंट से जोड़ देते हैं, चाहे वो सेल है या बैटरी है या पीछे से आने वाली पावर सप्लाई है, तो जैसे ही हम दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब में से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाता है और दैट फिलामेंट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बल्ब इज़ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी. तो बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. ओके, क्लियर. और ये जो फिलामेंट होता है बेटा, कुछ स्पेशल मटेरियल्स का बना होता है, सच है टंगस्टन, जिसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते आते हैं तो वो जो है ग्लो करने लगते हैं और लाइट एमिट करने लगते हैं. नेक्स्ट वे विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक टॉर्च. अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक टॉर्च की. बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक टॉर्च का इंटरनल व्यू डायग्राम बनाएं तो कैसे रहेगा, यहाँ पे बेटा हमारा एक ग्लास कवर होता है एंड देयर इज अ रिफ्लेक्टर. एंड आउटसाइड देयर इज अ प्लास्टिक केसिंग. Internally we are using a cell or battery. Okay, ये मैंने जनरल सा डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रिक टॉर्च का. तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक टॉर्च में बेसिकली इलेक्ट्रिक टॉर्च में एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही फॉर्म हो रहा है, जिसमें हम सेल और बैटरी यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स यूज़ कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्टर और बल्ब यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर हमारा एक बल्ब कनेक्टेड होता है, तो जैसे ही हम सेल और बैटरी को स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट जो होता है कंप्लीट हो जाता है और इस बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये लाइट एमिट करने लगता है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टॉर्च में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. ओके, यहाँ जो आउटर बॉडी होती है इलेक्ट्रिक टॉर्च की वो प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है और इलेक्ट्रिक करंट को आउटसाइड बाहर फ्लो होने नहीं देगा. ओके, सो आउटर कवरिंग ऑफ द टॉर्च इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इंटरनली देयर इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर. स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी. थैंक यू.